सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड के बासुरदा गांव के रहने वाले कामदेव पान की यह बैटरी चलित बाइक फुल चार्ज होने पर 50 से 60 किलोमीटर की माइलेज देती है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी यह बाइक काफी अनुकूल है। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाने पर इस बाइक में पैडल दिए गए हैं। अगर चालक पैडल चलाकर बाइक को आगे बढ़ाता है तो उसकी घर्षण से भी बैटरी पुनः रिचार्ज हो जाती है। चाहूंगा ये मान लीजिए अगर आपको सपोज बैटरी खत्म भी हो जाता है तो आप अपने मंजिल तक पैडल मार के पहुंच भी सकते हैं। और इसका क्या है नजर, इसमें पैडल मारने पे इसका बैटरी को भी रिचार्ज कर देगा। पांच भाइयों में सबसे छोटे कामदेव पान सरायकेला कॉलेज से विज्ञान संकाय में स्नातक हैं। वे बीते 5 सालों से लगातार अपने गृह जिले से दूर रांची में एक छोटे से किराए के मकान में रहकर रिसर्च करते रहे और आखिरकार अपनी अथक परिश्रम और वैज्ञानिक सोच की बदौलत उन्होंने इको फ्रेंडली बाइक की इजाद कर डाली। इस बाइक को बनाने में उन्हें लगभग 30,000 रुपए की लागत आई है। आप लोग को भी पता होगा 2009 में एक यो बाइक निकला था जो जापानीज कंपनी थी। अब उसके देखने के बाद जो है मुझे एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम लोग इस जो हम लोग गांव में रहते हैं इसको साइकिल में क्यों ना इसको कन्वर्ट किया जाए इलेक्ट्रॉनिक को। अले कामदेव पान की इस उपलब्धि से उनके अभिभावक परिजन और गाँव वाले काफी हर्षित हैं। ये एक लेडीज के लिए खास तौर पर बहुत ही अच्छा है। पॉल्यूशन का तो कोई बात ही नहीं है इसमें पॉल्यूशन का पूरा एकदम जीरो है। इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं आता। काम करने की ललक हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, यह बात सरायकेला जिले के एक छोटे से प्रखंड के कामदेव पान ने साबित कर दी है। मौजूदा दौर में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से यह बैटरी चलित बाइक जहाँ वरदान है, वहीं इससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी संबल मिलता दिखाई पड़ रहा है। सरायकेला से अनूप मिश्रा के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट।